हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 11th क्लास में हैं या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो आपको एक क्वेश्चन 99% मिलने के चांस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। उस टॉपिक का नाम है फैजांस रूल या फैजान का नियम या फैजान नियम। तो ये फैजांस का नियम होता है क्या, इस टॉपिक को हम कम्प्लीट पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखा तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे और आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो बीएससी फर्स्ट ईयर है या फिर आपका 11th क्लास है, दोनों में फैजांस का नियम है। उस फैजान के नियम को हम कम्प्लीट इस वीडियो में पढ़ेंगे। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक डिपेंड बाय शिवम। मैंने बीएससी पीसीएम एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से की हुई है, उसके बाद बीएड गवर्नमेंट कॉलेज से की है और मुझे लगभग 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है एज ए केमिस्ट्री टीचर। तो आज मैं वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। स्टार्ट करते हैं फैजान का नियम। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं या कोई इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनको कोसी को दोनों के लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप हिंदी हो चाहे आप इंग्लिश हैं। तो फैजान का नियम, सबसे पहले फैजान का नियम फैजान ने दिया था। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, ये काम क्या करता है, ये किस लिए दिया गया था। ठीक है, कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो आपके आयनिक यौगिक हैं या आयनिक कंपाउंड इनको हम बोल सकते हैं, आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है वो 100% आयनिक नहीं होता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टर होता है, किसका, कोवलेंट का। कोवलेंट का मतलब जो आयनिक यौगिक है वो 100% आयनिक ना होके उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिशत रहता है, किसका, कोवलेंट कैरेक्टर रहता है, सहसंयोजक लक्षण रहता है। तो उसी लक्षण को लेते हुए, उसी लक्षण के बारे में विस्तृत जो जानकारी दी थी, जो डिस्कस किया था, वो किया था फैजांस ने। तो उन्होंने कुछ नियम कानून बताए कि कैसे वो चेंज होता है, क्या क्या उसके अंदर कानून ये होगा, सब चीज़ आज इसमें हम बताने वाले। तो सिंपल आयनिक यौगिक इसमें सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक या अणु, जो आयनिक यौगिक है, जो आयनिक मॉलिक्यूल्स होगा वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में कैसे चेंज होता है, उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर होगा, किस तरीके से होगा, ये सारा इसी ने बताया था, फैजान ने बताया था। तो यहाँ तक आपको सिर्फ ये पता लग गया होगा, रूपरेखा आपके लिए तैयार हो गई होगी कि फैजान का नियम फैजान ने दिया था और इसे किस लिए दिया गया था, कि जो आयनिक कंपाउंड है वो कैसे सहसंयोजक यौगिकों के अंदर, जो आयनिक यौगिक हैं वो सहसंयोजक यौगिकों के अंदर कैसे बदलते हैं, उनका कैसे एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे नियम क्या कहता है। तो इनके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो आपने, इन्होंने कुछ नियम बताए। नंबर एक नियम, नियम नंबर एक क्या कहता है कि किसी भी यौगिक के अंदर, किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा आवेश होगा उसके कैटायन पे या फिर उसके एनायन पे, उसके धनायन पे या फिर ऋणायन पे। कहने का मतलब जिसके अंदर ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होंगे, धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या ज़्यादा होगी, उस मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, उसका ध्रुवण ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा चेंज होगा आयनिक से सहसंयोजक के अंदर। देखो, जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो पहला क्या है कि जिसका, जिसका आवेश, जिस पर लिखते हैं ना, जिस पर आवेश अधिक होगा, जिस पे जो चार्ज है वो ज़्यादा होगा, उसका ध्रुवण या उसका पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण ही तो ना, आयनिक से सहसंयोजक में जो ध्रुवीकरण होगा वही बताया था, ध्रुवीकरण, उसका ध्रुवीकरण या फिर पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन अधिक होगा। अब इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, तो वो आपको कैसे क्वेश्चन दे सकता है, जैसे उसने दे दिया AlCl3, ठीक है, और एक इसके साथ में दे दिया उसने BeCl2। अब अगर आप इन दोनों कंपाउंड पे देखने की कोशिश करें, इन दोनों को देखें, तो AlCl3 में जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पे चार्ज है यहाँ पे ट्रिपल पॉजिटिव, और क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, एक माइनस का। अगर आप BeCl2 की बात करें तो जो बेरिलियम है उस पे चार्ज होगा डबल पॉजिटिव का। तो दोनों कंपाउंड में एक कंपाउंड ऐसा है जिस पे मैक्सिमम जो चार्ज है वो डबल पॉजिटिव का है, और जो दूसरा कंपाउंड है वो कितना है, एक पे 3 पॉजिटिव है। ठीक है, तो 3 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका पोलराइजेशन वो ज़्यादा मात्रा में चेंज होगा आयनिक से सहसंयोजक के ओर। तो इसका मतलब कि इसका जो पोलराइजेशन होगा AlCl3 का वो BeCl2 की कंपेयर में ज़्यादा होगा।
तो ये था इसका नियम नंबर एक कि जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा उसका पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा, उसका ध्रुवीकरण भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर आप बीएससी क्लास में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा, आपका रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछेगा। ट्वेल्थ क्लास में तो इसका कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन इलेवंथ क्लास में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नेक्स्ट, अब इसके दूसरे नियम पर चलते हैं, नियम नंबर टू। नियम नंबर टू और नियम नंबर थ्री दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। देखो, पोलराइजेशन कैसे होगा, जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जो न्यूक्लियस होगा वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। जो आपका नाभिक है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। वही आकर्षण बल क्या काम करता है कि वो ज़्यादा हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन उनके बीच में आ जाते हैं। और आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। एक जो परमाणु होगा वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ से आपका आयनिक बंध बनता है, जैसे NaCl, N एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। लेकिन इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता है, एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है, जिसकी वजह से जब आकर्षण होगा एक दूसरे के पास आ जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन थे वो बीच में आ जाएंगे, तो वो एक शेयरिंग हो जाती है उनके इलेक्ट्रॉनों की, उनकी एक साझेदारी सी हो जाती है, जिसकी वजह से वो आयनिक से किस में चेंज हो जाता है, वो आयनिक से चेंज हो जाता है सहसूचक के अंदर। अब इसका अगर आपको थोड़ा सा डीपली जाना है तो जिसमें जिन दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जिन दो परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, में अंतर 1.7 से अधिक होगा, ठीक है, 1.7 से अधिक होगा, वो आयनिक कंपाउंड कहलाता है। लेकिन अगर 1.7 से कम का अंतर है, ठीक है, 1.7 से दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कम है, तो वो सहसूचक भी होगा। और अगर 1.7 का है तो यहाँ पे 50-50% होगा। दोबारा समझो, 1.7 पे 50-50 है, 1.7 से अधिक है तो आयनिक है, और 1.7 से अगर कम हो गया तो क्या होगा, वो फिर वो सहसूचक हो जाता है। तो ये आपका एक थ्योरी होती है। अब हम आपको क्या बताए थे, अब जो हमारा नंबर दो है, नियम नंबर दो, वो नियम नंबर दो ये कहता है कि जो धनायन होगा, धनायन को इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन, CATION, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जो धनायन होगा उसका साइज ऑफ कैटायन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटा, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, जिसमें सबसे छोटा कैटायन होगा वो ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा। क्योंकि पोलराइजेशन कहाँ से होगा, जो धनायन है उसका ऋणायन क्या करेगा, ध्रुवीकरण करेगा। तो यहाँ पे ये नियम कहता है कि जो कैटायन है वो छोटे से छोटा होना चाहिए, उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, तभी तो एक दूसरे के साथ में आकर्षण बल बनेगा। अब इसका कोई उदाहरण देखते हैं आपको, धनायन का साइज छोटा होना चाहिए, जैसे LiCl और दूसरा हमने लिख दिया NaCl, ये दो कंपाउंड आपके पास है, लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। अब Cl तो दोनों में एक ही है, तो ऋणायन का साइज तो यहाँ पे आप कह नहीं सकते कि ऋणायन छोटा या बड़ा है, दोनों में परमाणु भी उतने ही है। लेकिन लिथियम की अगर आप बात करोगे तो लिथियम में क्या होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर 3, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1। अगर हम इसकी बात करें कि LiCl में क्या चेंज होगा, तो Li में Li के ऊपर होगा एक पॉजिटिव, तो लिथियम जो है वो किस तरह से बदल जाएगा, वो बदल जाएगा ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में। अब बात करते हैं सोडियम की, Na, तो Na का परमाणु क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1, और जब ये Na पॉजिटिव में चेंज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसी और को उसने ट्रांसफर कर दिया Cl को, तो ये हो जाएगा 2 और 8। अब नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि जो कैटायन है उसका साइज जिसका छोटा होगा वो ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा, ठीक है। अब धनायन दोनों में दिख रहा होगा आपको, एक में लिथियम पॉजिटिव है और एक में सोडियम पॉजिटिव है, ठीक। अब इन दोनों में साइज किसका छोटा होगा, एक में एक कक्षा है, एक में एक कोष है, एक में दो कोष है, एक में एक सेल है, एक में दो सेल है। तो यहाँ पे सिंपल है कि जिस लिथियम का साइज छोटा है सोडियम से, लिथियम धनायन का साइज, लिथियम कैटायन का साइज सोडियम कैटायन से छोटा होता है, इसकी वजह से ये ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा, ये ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। तो ये वाला साइन यहाँ पे हमने लगा दिया कि जो LiCl है
वो ज़्यादा ध्रुवण सक्षमता दिखाएगा, उसके अंदर मोर कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा कंपेयर दैन सोडियम क्लोराइड। तो ये दूसरा नियम हो गया कि कैटायन का साइज़ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तीसरे पे चलते हैं, अब रिनायन के साइज की बात करेंगे, ठीक है जी। नंबर तीन पे चलते हैं, रिनायन का साइज कैसा होना चाहिए। तो रिनायन का साइज जो है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। नंबर तीन कि जो रिनायन है, रिनायन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एनायन। रिनायन इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनायन। एनायन का जो साइज है या जो आकार है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जिसका ज़्यादा बड़ा होगा रिनायन का साइज, जिसमें ज़्यादा बड़ा होगा वो ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा या ज़्यादा ध्रुवीकरण करेगा। उदाहरण देखते हैं या एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि जो आपके फ्लोराइड होते हैं, जहाँ पे कोई कंपाउंड बनता है फ्लोरीन के साथ में, जैसे कंपेयर करें हम कि हमने कह दिया यहाँ पे ए है और उसके बाद एफ और हमने कह दिया ए टू ओ, ये आपके पास कोई कंपाउंड है। या जो फ्लोराइड होते हैं वो और एक ऑक्साइड होते हैं, उनके अंदर किसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। यह क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादा सहसंयोजक होते हैं, वो ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करते हैं कंपेयर देन फ्लोराइड के ऑक्साइड के साथ, मतलब फ्लोराइड जो होते हैं उनके, जैसे कि HF और H2, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। अब रीजन कहाँ पे, रीजन आएगा F और ऑक्सीजन से। तो फ्लोरीन माइनस में क्या होगा, 2 8, भाई फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। फ्लोरीन का कितना परमाणु क्रमांक होता है, 9, एटॉमिक नंबर 7, लेकिन सॉरी 9। लेकिन जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो F माइनस में कितने हो जाएंगे, 10, तो 2 8। ऐसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का होता है वैसे तो 8 2 6, क्या हो जाएगा 2 और 6, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है उसके बाद इसका भी साइज हो जाएगा 2 8। अब आप कहोगे कि साइज किसका बड़ा होगा, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है और BSc फर्स्ट ईयर के लिए भी, कि जो धनायन होता है जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसी पे आता जाएगा। जैसे हम अगर कहें कि सोडियम Na और Na पॉजिटिव में कौन बड़ा है, इसमें Na और Na पॉजिटिव में कौन बड़ा होगा, ये Mg डबल पॉजिटिव में कौन बड़ा होगा, ऐसे Al ट्रिपल पॉजिटिव में कौन बड़ा होगा, या सिंपल यहाँ पे लिख लें Na पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव, Al ट्रिपल पॉजिटिव, इनमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा, क्योंकि तीनों में जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 10 है। भाई सोडियम में 11 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया 10 रहेगी। Mg में कितने होते हैं, मैग्नीशियम में 12 होंगे तो 2 त्याग दे उसने 10 रहेगी, एल्यूमिनियम ने 3 त्याग दे उसमें भी 10 रहेगी। तो तीनों में इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन अंतर कहाँ है, अब ये देखना है कि साइज किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा। तो जितने ज़्यादा धनायन त्यागे जाएंगे साइज उतना ही ज़्यादा छोटा होता जाएगा, क्योंकि दो चीज़ होती हैं परमाणु के अंदर, क्या होगा, एक तो नाभिक है और एक इलेक्ट्रॉन है। नाभिक का मतलब है प्रोटोन से, नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है जो किसकी वजह से होता है, प्रोटोन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। तो सिंपल नाभिक का जो आकर्षण बल होगा वो किस पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है प्रोटोनों की संख्या पे। और आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो या दे रहे हो उस पे, प्रोटोन पे तो कोई मतलब पड़ता नहीं, तो प्रोटोन उतने ही रहेंगे। अब प्रोटोन की पावर अगर ज़्यादा होगी, नाभिक का आकर्षण, नाभिक का जो परमाणु प्रोटोनों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो नाभिक का अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने में। भाई सिंपल है, मान लो 12 12 है, 12 प्रोटोन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10, लेकिन प्रोटोन कितने हैं, 12, तो वो ज़्यादा पावर से खींचेंगे। अब मान लो कहीं पे 3 चले गए तो 13 प्रोटोन है, तो वे 13 प्रोटोन खींचेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब जितने ज़्यादा प्रोटोनों की संख्या बढ़ेगी, जिनका ज़्यादा डिफरेंस आएगा प्रोटोन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में, उतना ही ज़्यादा साइज उसका छोटा होता जाएगा। तो इनमें अगर हम साइज की बात करें, सबसे बड़ा सोडियम का, उसके बाद Mg डबल पॉजिटिव का, Al ट्रिपल पॉजिटिव का, सबसे छोटा हो जाएगा। अब कैटायन की बात करते हैं। कैटायन में जैसे कि ऑक्सीजन डबल माइनस, F माइनस और N ट्रिपल माइनस, ये मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि ऑक्सीजन डबल माइनस, F माइनस और N ट्रिपल माइनस, इनमें साइज सबसे बड़ा किसका होता है। सिंपल, सब में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे 10 10, ऑक्सीजन में 8, 2 ले लिए, फ्लोरीन ने 1 ले लिया और नाइट्रोजन 3 ले लिया, तो 10 हो गए तीनों में। रिनायन में क्या होगा, वही बात बताई थी मैंने अभी, साइज किस पर डिपेंड करता है, प्रोटोन और दूसरा कौन, बाहर होंगे इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों बराबर हैं तो कोई बात नहीं। अब मान लो अगर एक भी कम या ज़्यादा होता है तो फर्क पड़ेगा। अब मान लो जो प्रोटॉन है वो तो सेम रहेंगे, वो तो कभी बढ़ेंगे ना घटेंगे, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन को बढ़ाओगे घटाओगे, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की पावर ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा बाहर फैल जाएंगे वो,
लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन संख्या को घटाओगे, प्रोटॉन उतने ही है तो और ज़्यादा अंदर को आ जाएंगे, ये बैलेंस है। अगर इसमें से कम होंगे तो अंदर जाएगा और ज़्यादा होंगे तो बाहर को खींच लेगा। जैसे समझ लो कि एक रस्सा कैसी है, रस्सा खींच रहे हैं ना, इतने इधर खींच रहे, इतने इधर खींच रहे। अब अगर जिधर से भी संख्या कम होगी, ठीक है, जिधर से भी संख्या कम होगी क्या होगा, उधर से दूसरी साइड को रस्सा खींच जाएगा। तो वो यहाँ पे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, प्रोटॉन अपनी ओर खींच लेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हो गया क्या, प्रोटॉन उतने रहे। जैसे कि यहाँ पे तीनों में, एक में एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक ने दो इलेक्ट्रॉन लिए, एक ने तीन इलेक्ट्रॉन लिए, तो प्रोटॉन तो उतने ही है, 10 के 10 ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, सॉरी प्रोटॉन तो उतने ही है। जैसे कि नाइट्रोजन है तो 7 ही होंगे, ऑक्सीजन है तो 8 ही होंगे, फ्लोरीन है तो 9 ही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का अंतर आ जाएगा। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेंगे, जितने ज़्यादा ये वाली संख्या ज़्यादा होगी तो वो उधर को खींच लेगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर आएंगे तो साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो साइज छोटा होगा। तो इनमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा, जिसने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तो सबसे बड़ा साइज हो जाएगा नाइट्रोजन का, और उसके बाद किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का, उसके बाद आपका हो जाएगा फ्लोरीन का। तो ये हमें बताना था यहाँ के लिए कैटायन का साइज के अकॉर्डिंग। तो कैटायन का साइज किसमें किसका बड़ा होगा, दोनों में उतनी सेल, उतने ही इलेक्ट्रॉन सब चीज़, लेकिन इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसके अंदर जो डिफरेंस आएगा प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का, वो कितना आएगा, 2 का आएगा, इसके अंदर 1 का डिफरेंस आएगा। तो जिसमें ज़्यादा डिफरेंस होगा वो ज़्यादा बड़ा या छोटा होगा। तो बड़ा छोटा होने का मतलब किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन और बाहर को फैल जाएंगे, तो इस वजह से साइज इसका बड़ा होगा ऑक्साइड का। तो अगर वो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जो ऑक्साइड हैं वो ज़्यादा ध्रुवण करते हैं कंपेयर देन फ्लोराइड, तो आप बताओगे कि जो ऑक्साइड है वो ऋणायन होता है, और ऋणायन का साइज जिसमें जिससे ज़्यादा बड़ा होगा वो ज़्यादा ध्रुवण करेगा। इसी वजह से जो ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादा ध्रुवण करते हैं फ्लोराइड की कंपेयर में। नेक्स्ट नंबर 4 और लास्ट है इसका, जो अब आपको हम बताएंगे। एक और मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, स्टेनस और स्टेनिक, SnCl2 और SnCl4। यहाँ पे कितना चार्ज है, स्टेनस है डबल पॉजिटिव, और यहाँ पे कितना चार्ज है, 4 पॉजिटिव। तो ये पहले वाले से जिसमें हमने चार्ज की बात की थी, तो ध्रुवण किसका ज़्यादा होगा, SnCl4 का, क्योंकि इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज है इस पर, और इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है। जिसमें जितना ज़्यादा चार्ज उसका उतना ज़्यादा क्या होगा, ध्रुवण होगा, उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर उसके अंदर पाया जाएगा, उतना ज़्यादा सहसंयोजक लक्षण उसके अंदर आएगा, फैजान ने बताया था। नियम नंबर चार क्या कहता है कि जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बाह्यतम कोष का एक्रिय गैस जैसा होगा तथा उसकी तुलना में वह धनायन, यहाँ पे धनायन की बात हो रही है, ये ध्यान रखना, कैटायन की बात हो रही है, जिसकी तुलना में वह धनायन जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अनुत्कृष्ट गैस जैसा होगा, ज्यादा ध्रुवण करता है। दोबारा देखो क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात कर रहा है कि जिस धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बाह्यतम कोष है वो एक्रिय गैस होगा, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं उत्कृष्ट गैस के जैसा होगा, और दूसरे का अनुत्कृष्ट गैस जैसा होगा। तो उन दोनों में कौन ज्यादा ध्रुवण करेगा, क्वेश्चन जैसे देखते हैं। अब देखो जो धनायन आपको देखना है, एक तो हमने बताया था छोटा बड़ा, दो धनायन कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन पहले आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखोगे कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। सपोज करो जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया AgCl और दूसरी तरफ लिख दिया NaCl। अब इनमें आपको क्या देखना है, इनमें आपको देखना है कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या किसके बाह्यतम कोष में, सिंपल देखना है किसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन या फिर हीलियम अपवाद होता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, किसके किस धनायन के बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसा होगा, वो होगा उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा। दूसरा, जिसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो होगा अनुत्कृष्ट गैस जैसा।
तो फैजान ने बताया कि जिसका बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनुत्कृष्ट गैस जैसा होगा, इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा नहीं होगा, वो ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा, ज़्यादा ध्रुवण करेगा कंपेयर देन अदर जिसका उत्कृष्ट गैस जैसा है। तो अगर ए जी सी एल की बात करें, अन्य सी एल की बात करें, तो ए जी के बाह्यतम कोष में हो जाएंगे यहाँ पे ए जी, यहाँ पे ए जी ना होके ए जी पॉजिटिव रहेगा, और इधर क्या रहेगा, ये अन्य पॉजिटिव। तो ए जी पॉजिटिव के बाह्यतम कोष में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में, और जबकि सोडियम के बाह्यतम कोष में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो अन्य पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियोन के जैसा हो जाता है, उत्कर्ष गैस जैसा हो जाता है, इसलिए ये कम ध्रुवण करेगा किसी ऐसे परमाणु, ऐसे धनायन की अपेक्षा जिसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो इसका मतलब AgCl जो है वो ध्रुवण ज़्यादा करेगा। दोबारा रिकैप करते बहुत देर से, फैजान ने क्या बताया, फैजान ने बताया कि जो आयनिक कंपाउंड है वो कैसे चेंज होते हैं कोवलेंट कंपाउंड के अंदर, उनके अंदर कैसे आप बताओगे कि कौन ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, किसका ध्रुवीकरण ज़्यादा होगा, कौन सा आयनिक कंपाउंड ज़्यादा ध्रुवण शो करेगा, ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। नंबर एक नियम, जिसमें चार्ज अधिक होगा। नंबर दो, जिसका कैटायन छोटा होगा। नंबर तीन, जिसका ऋणायन, जिसका एनायन बड़ा होगा। और नंबर चार, जिसका बाह्यतम कोष, धनायन का जो बाह्यतम कोष है वो अनुत्कृष्ट गैसा होगा, इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और साथ ही साथ इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। रात के लगभग 11 बज चुके हैं और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें रात को ही टाइम मिलता है, जिस मॉर्निंग में से लेके शाम तक हम कोचिंग सेंटर वगैरह पे ज़्यादा टाइम भी करते हैं तो वहाँ पे टाइम नहीं मिलता है, और दिन में घर में वीडियो शूट करना भी महाभारत है क्योंकि दिक्कत होती है। और माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिनों बाद ये वीडियो आई। अब कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर वीडियो दूँ। कोई भी टॉपिक आपको 11वीं क्लास में, बीएससी क्लास में, 12th क्लास में हार्ड लगता है तो आप कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे आपके लिए नई वीडियो बना दूँ। आप हमें टिकटॉक पे और लाइके पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ पोस्ट करता रहता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप 12th क्लास से 11th क्लास से, तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक जरूर करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोर्स वहाँ पर कम्प्लीट करा चुका हूँ, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और वे वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, एक बार जरूर देखना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।